और वहीं पंजाब में अब नाजायज कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। सीएम ने कहा कि जिन भी रसूखदार लोगों ने जमीनों पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मान सरकार ने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर सभी कागज तैयार करवा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी के बाद अब पंजाब में नाजायज कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि जिन भी रसूखदार लोगों ने जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रखा है उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मान ने कहा कि विपक्ष में बैठे कुछ लोग सरकारी कोठियां खाली करने को तैयार नहीं है, यहां तक कि उन्होंने कारों के लिए भी मुश्किल से पास लिया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जों को लेकर के भी सभी के कागज तैयार करवा रही है। मान ने कहा कि पंजाब में अब अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में पंचायतों पर अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चला रखा है। पंजाब की पंचायतों में लोगों ने करीब 5000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। भगवंत मान सरकार ने इन कब्जों को छुड़वाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने प्रशासन को अवैध कब्जों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मुहिम के पहले पड़ाव के अंतर्गत 31 मई 2022 तक 5000 एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जा हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने कुछ दिन पहले शिवालिका पहाड़ियों से सटे न्यू चंडीगढ़ के बिल्कुल नजदीक ब्लॉक माजरी के गांव अभीतपुर में करोड़ों रुपए की बेहद कीमती 29 एकड़ पंचायती जमीन का कब्जा छुड़वा कर पंचायत के हवाले कर दिया है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर और जिला विकास और पंचायत अधिकारी के साथ हाल ही में एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। इस दौरान अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि सिविल और पुलिस प्रशासन की मदद से पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटाए जाए, जिसके बाद प्रशासन नाजायज कब्जों की सूची तैयार करने में जुटा हुआ है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।